हाय, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। जब नया साल शुरू होता है तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। इस लिस्ट में ये बातें होती हैं कि नए साल में क्या नया होने वाला है, कौन सी नई फिल्में आने वाली हैं, उन फिल्मों में कौन नए लोग आने वाले हैं। ये ट्रिकी क्वेश्चन था। अब इस ट्रिकी क्वेश्चन को हम आपको इस वीडियो में सॉल्व करके बताने वाले हैं, क्योंकि हम आपको उन लोगों के नाम बताने वाले हैं जो 2020 में डेब्यू करेंगे। पहला नाम है मानुषी छिल्लर। साल 2000 की बात है, प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का जो ये ताज था वो जीता था। उसके बाद 2017 आया तो ये ताज मिला मानुषी छिल्लर को। ये कंपटीशन जीतने वाली वो छठी भारतीय महिला हैं। अब तक टीवी एड्स और अवार्ड शोज में दिखाई दे रही हैं, अब हिंदी फिल्म में डेब्यू करने जा रही हैं अक्षय कुमार के साथ। चंद्र प्रकाश द्विवेदी डायरेक्टेड फिल्म पृथ्वीराज, यशराज बना रहे हैं ये फिल्म। फिल्म में मानुषी राजकुमारी संयुक्ता का रोल करेंगी। ये फिल्म नवंबर 2020 में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। दूसरा नाम है आहान शेट्टी। एक और स्टार किड ऑन द ब्लॉक, सुनील शेट्टी के बेटे, ये अपने फिल्म करियर की शुरुआत करेंगे 2020 में तेलुगु फिल्म RX 100 की हिंदी रीमेक से। फिलहाल फिल्म का नाम तड़प बताया जा रहा है। इस फिल्म में उनकी को स्टार होंगी तारा सुतारिया। डायरेक्शन की कुर्सी जो संभाले बैठे हैं वो हैं द डर्टी पिक्चर फेम मिलन लुथरिया। फिल्म की शूटिंग चालू है लेकिन रिलीज डेट को लेकर अब तक किसी तरह की न्यूज बाहर नहीं आई है। तीसरा नाम है आलिया फर्नीचर वाला। कबीर बेदी की बेटी पूजा बेदी और पूजा बेदी की बेटी है आलिया फर्नीचर वाला। ये शॉर्ट में अपना नाम आलिया एफ लिखती है। स्टार किड तो है ही, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी हैं। एक्टिंग करियर की शुरुआत करने जा रही हैं फिल्म जवानी जाने मन से। इस फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी नॉर्दर्न लाइट्स फिल्म्स के साथ उनका 3 फिल्मों का डील साइन हुआ है। जवानी जाने मन में सैफ अली खान और तब्बू लीड रोल्स में हैं। फिल्म को डायरेक्ट किया है नितिन कक्कड़ ने। रिलीज डेट 31 जनवरी है। चौथा नाम है लक्ष्य। नहीं बाबा, पिक्चर का नाम नहीं है, ये एक्टर है। इनकी फिल्म आ रही है दोस्ताना 2, जॉन अभिषेक और प्रियंका चोपड़ा वाली दोस्ताना का सीक्वल है ये। इसके प्रोड्यूसर है करण जौहर, लेकिन ये बालक जो है किसी फिल्मी परिवार से नहीं आता है। लक्ष्य ने टीवी और वेब शोज में काफ़ी सारा काम किया है, जैसे वॉरियर हाई, रोडीज X2 और पोरस। फिल्म पहली बार करने जा रहे हैं, यहाँ उनके साथ कार्तिक आर्यन और जानवी कपूर भी होंगे। कॉलिन डी कुन्हा डायरेक्टेड इस फिल्म की रिलीज डेट अभी तक तय नहीं हुई है। पांचवा नाम है संजना संघी। इनकी आने वाली फिल्म का नाम है दिल बेचारा। हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन आवर स्टार्स की हिंदी रीमेक है ये। इसमें संजना के साथ सुशांत सिंह राजपूत दिखाई देंगे। फिल्म के डायरेक्टर जो है वो मशहूर कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा। ये मुकेश की डेब्यू फिल्म है। FII मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये संजना की भी पहली फिल्म है, बल्कि लीड रोल में पहली फिल्म है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने काम पहले नहीं किया है, इससे पहले वो रॉकस्टार और फुकरे रिटर्न्स जैसी फिल्मों में दिखाई दे चुकी हैं। दिल बेचारा 8 मई को रिलीज होने वाली है। छठा नाम है शर्वरी। रणवीर सिंह, अनुष्का शर्मा, परिणीति चोपड़ा और भूमि पेडनेकर के बाद आदित्य चोपड़ा एक और नया चेहरा लॉन्च करने जा रहे हैं। शर्वरी को यशराज फिल्म्स ने पिछले साल यानी 2019 में ढूंढकर निकाला था, तब से उनकी ग्रूमिंग चल रही है। अब उनका लॉन्च पैड अनाउंस हो चुका है, बंटी और बबली का सीक्वल यानी बंटी और बबली 2। इसमें शर्वरी और गली बॉय फेम सिद्धांत चतुर्वेदी साथ काम करेंगे। फिल्म को डायरेक्ट जो कर रहे हैं उनका नाम है वरुण शर्मा। इस फिल्म से उनका भी डेब्यू हो रहा है, रिलीज डेट अभी तय नहीं हुई है। सातवां नाम है शर्ली सेठिया। तुम ही हो गाने का कवर वीडियो बनाकर इंटरनेट की क्रश बन गई है लड़की, नाम शर्ली। इन्हें पजामा पॉप स्टार भी कहते हैं। इंडियन है लेकिन पली बड़ी है न्यूजीलैंड में। सोशल मीडिया सिलेब है, एक आध फिल्मों में गाने भी गा चुकी हैं। अब एक्टिंग करने का मौका मिला है। फिल्म का नाम है निकम्मा। को स्टार मर्द को दर्द नहीं होता फेम अभिमन्यु दसानी और शिल्पा शेट्टी हैं। फिल्म 5 जून को रिलीज होने के लिए शेड्यूल्ड है। आठवां नाम है इजबेल कैफ। कटरीना कैफ की बहन को स्टार केडी कहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर उनकी बहन और भाई दोनों का हाथ है। भाई बोले तो सलमान भाई। एक्टिंग करियर शुरू हो चुका है इजबेल का कनेडियन फिल्म डॉक्टर कैबी से, लेकिन हिंदी फिल्म डेब्यू अब होगा। 2 फिल्मों पर काम चल रहा है। आयुष शर्मा स्टारर क्वाथा, जिसे ललित भूटानी डायरेक्ट करेंगे, और सूरज पंचोली के साथ टाइम टू डांस, जिसके डायरेक्टर हैं स्टैनली डी कॉस्टा। दोनों में से किसी भी फिल्म की रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं हुई। 9वां नाम है शालिनी पांडे। ये फिल्म बिजनेस में नहीं, हिंदी फिल्मों के लिए नई है। अर्जुन रेड्डी का नाम तो सुना ही होगा आपने, उसमें जो फीमेल लीड थी इन्होंने किया था। वो कबीर सिंह में कियारा आडवाणी का जो रोल है उन्होंने उस वाली फिल्म में किया था। अब ये हिंदी फिल्मों में आ रही हैं। फिल्म का नाम है जयेश भाई जोरदार। फिल्म में शालिनी के साथ रणवीर सिंह काम करेंगे। पिक्चर को डायरेक्ट कर रहे हैं दिव्यांग ठक्कर।
और ये शालिनी के साथ साथ दिव्यांग की भी डेब्यू फिल्म है। रिलीज डेट तो इन्होंने बताई ही नहीं, तो हम आपको कैसे बता देंगे। अब दसवां नाम ले लीजिए, कीर्ति सुरेश। साउथ इंडियन फिल्मों का बड़ा नाम। साल 2000 में इन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू किया था। 2018 में आई इनकी बायलिंगुअल फिल्म महानती के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं। इनकी हिंदी फिल्म डेब्यू होगी मैदान, फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की बायोपिक। फिल्म में अब्दुल का रोल जो कर रहे हैं वो है अजय देवगन और उनकी पत्नी के किरदार में दिखाई देंगी कीर्ति। ये फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं बधाई हो फेम अमित शर्मा। रिलीज नवंबर 2020 बताई जा रही है। ये लिस्ट यहीं तक। आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खुला है। सिनेमा जगत की और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली ऑन टॉप। शुक्रिया।